अस्सलाम वालेकुम, मैं गोपी कला आवी व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग द रेप का ब्लॉग। शादी के बाद हर इंसान की जेब हो जाती है खाली, आज मैं बन गया हूँ माली। आज हम डालेंगे पौधों को पानी। नुमान भाई और उनकी टीम आ गई है और फाइनली लाइटें लेके जा रहे हैं। ये बोल रहे हैं बस अब बहुत तुम लोगों ने रोशनियाँ ले ली बेटा पाकिस्तान से, अब बस हमारी लाइटें वापस करो। मैंने बोला रहने दो 5-6 दिन, बोलते नहीं बस इससे ज़्यादा दोस्ती नहीं कर सकते हम। माली बनने के बाद मेरी सेकंड ड्यूटी ये है कि मेरी बेगम है बीमार, तो मैं उनके लिए लाया हूँ आपकी दवाई फ्रॉम माई कमाई। मैंने आपको सुबह सुबह पिलाई, बेचारा मेरा मुन्ना बीमार हुआ है। हाँ जी हाँ जी, बहुत बीमार हो गई मेरा गुड्डू, ले 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 मेरा मुन्ना बेचारा छोटू बीमार है, गले में दर्द हो रहा है मुन्ने को। आपका मियाँ माली बना हुआ था, गार्डनिंग कर रहा था, आपने देखा ही नहीं। ऊपर नहीं गिरा दिया, कीड़ियाँ आ जाएगी। एक नुकसान जो छोटा सा हुआ है ना वो ये हुआ है कि भाई हम मतलब बोलते हैं ना छोटी छोटी चीज़ मतलब भारीपन होता है तो ख़राब हो जाती है, वो ये हुआ है कि भाई मेरा जो है ना बेड का ये पूरा कट गया है। ऐसा लग रहा है किसी ने ब्लेड मारा है। अब ये देखो कहीं भी मसला नहीं था मगर ये कट गया। अब वो भाई आए, उनको मैंने बुलाया, मैंने फर्नीचर वालों को कि आके सही करके दो। अब ये पूरा पीस खुलेगा, ये पूरा पीस चेंज होगा वापस, मतलब ये देख रहे हो ये वाले मसले जो है ना ये सबसे मुश्किल होते हैं। अब ये वाला मसला मैंने हल कराना है, जरनाब जा रही हैं अपने घर पे क्योंकि आज जरनाब के घर वाले जा रहे हैं वापस, तो जरनाब अपने घर पे जा रही हैं, मैं यहाँ पे सारे काम करवाऊँगा फिर मैं अपने घर जाऊँगा, अम्मा से मिलूँगा और फिर बीमार आ गई। टिंग 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 टिंग, मैंने तो मिस कर दिया। मैंने जरनाब असल में बीमार थी ना, तो मैंने जरनाब ने मुझे अपने हाथों से नाश्ता कराया बीमार होने के बावजूद, वो मैं आप लोगों को दिखाना भूल गया। हार दिया ना आपने यहाँ से? मैंने तो नहीं किया। आप ही ने किया? मैंने तो उल्टा आपको बताया कि ऐसे करके गया हूँ। चले आप आएंगे मैं सही करवा दूंगी, आप ठीक हो जाएंगे, छोड़ दे हम कर देंगे, चल कर चल। भाई बोल रहे हैं किसी ने ब्लेड मारा है, साले ब्लेड मारता है हर चीज में ही मारता है। खबीस जल्दी से कर दो सेट अप, जल्दी सेट कर दो। जरनाब की तबीयत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए ना हम कहीं जा रहे हैं ना हम किसी की थावर अटेंड कर रहे हैं। जरनाब के घर वाले चले गए और जरनाब को फीवर भी है, थ्रोट इन्फेक्शन और खांसी भी हो गई और अब फ्लू भी हो गया। दुआ करो जरनाब जल्द से जल्द ठीक हो जाए, सारी दवाइयाँ लेने आए। ये मेरा दोस्त है इज्जत, ये मुझे इज्जत से अच्छी दवाइयाँ देता है। आपकी दुआएं आप सुने टाइम बाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अबल्लास अबल्लास अबल्लास, कैसे हैं भाईजान? ठीक हैं आप? तबीयत सब ठीक लग रहा है, तुम भी कमजोर लग रहे हो, क्या हो गया पापा? इसका जो है नमक से उतार दे इसकी नजर, नमक क्या हो गया, क्या हो गया, सब सदका वदका सब दे दिया मैंने आज, तो फिर क्यों मेरा बच्चा बीमार हो गया? हो जाता हो जाता। अच्छा रोना नहीं, अम्मी चली गई। हाँ एक और मैं भेज दो टिकट कटा हूँ, यही ब्लॉग बनाने बोले बाबी टिकट कटा तुम्हारी है नहीं, टिकट कटा के चला भिजवाती हूँ, चलो दोबारा भिजवाती हूँ, अम्मा का फोन आया था ना मुझे, बोलो उनको है। भाई बेगम के लिए हमने मंगाया है फ्रूट चाट, अभी इन्होंने खाई है बहुत सारी गोलियाँ और मेरा ये वाला फोन टूट फूट चपूट गया है, ये देखो यहाँ से दरारें हैं, ये देखो ये टूट गया फट गया फ़ोन मेरा पूरा, तो मैं आज फिर इसमें अपनी सिम डालूँगा। जी सर ऐसा होता है, समझ लो। जरनाब की अम्मी ने उनके लिए चमक पट्टी वाली जो है ना कम्फर्टर भेजा है, मुझे सबको बताया आई लाइक शागी थी। हाँ और जरनाब इसको छोड़ती नहीं है, अपन सही है सिंपल सटल, मुझे तो इस तरह का ही पसंद है, बोला था चकास। कमेंट में बताइए मैं आ रहा हूँ। गाइस हेलो, कबाब फ्राई आ रहे हैं मेरा, कबाब नहीं खाते अगर पता होता तो। आप अपना फ्रूट चाट खाएं, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा आपको खाने को, सही है? सही है, देख लेगा जा रहे हैं। सुबह के 6:30 बज रहे हैं, जरनाब ने ऐसे उठाया है और अब बस अभी इमरजेंसी आए और तबीयत दिखाते हैं, बुखार चढ़ रहा उतर रहा बहुत ज़्यादा। मैडम को जैसे इंजेक्शन लगे हैं ना
आधे रास्ते में आवाज आ गई, घर चलो घर चले लाली, घर चले। मैं ठीक हो गई, ख्याल नहीं रखा ना मेरा, ख्याल नहीं रखा ना। अच्छा अच्छा, हॉस्पिटल से फ्री हो गए मैडम। डॉक्टर ने मुझे बोला यार आप अपनी वाइफ से एटलीस्ट खाने का तो पूछें। मैंने क्या पूछें, खाती नहीं है। तो अभी ये मुझे बोलती है कि मौसम्बी खानी है, मौसम्बी खानी है। मतलब खाने का बताएं, खाना है खाना, चाय पापे मंगा दूं, निहारी खाऊंगी जो दिल चाह रहा वही खाऊंगी। और उसके बाद मुझे आज डॉक्टर बनना पड़ेगा, वैसे तो मैं हूँ, तो अभी इधर ना आपको ड्रिप लगानी है मैंने एक घंटा के। उसके बाद जो है पहले हम नाश्ता करते हैं, दुआ करें गाइस बेगम जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। बहुत सारी चीज़ें जो है ना इस बीमारी की वजह से जो है ना वो ताखीर पर जा रही हैं। बिल्कुल तो लगती है जरना बीमार हुई और मुझ पर, मुझे तो लगता है मेरे पे किसी ने एक बंदा बड़ा सा बिठा दिया, इतना वेट है मेरे ऊपर भारी पन है। खैर चलते हैं, मैम को निहारी खिलाते हैं। कोई बात नहीं, आप ऐसे ही भूत ही क्यूट भूत, अब ठीक है ना। हर 10 सेकंड में आ रहे थे ना ये कैसे, बेगम कह रही है बस मुझे निवाले तोड़ के दे दे मैं खाऊंगी खुद। वैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं खिला देता हूँ अभी। अच्छा अभी भी बीमार हैं मगर मेरी साइड नहीं है तो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगी। ये मैडम की अभी सारी दवाइयाँ आई हैं और ये ड्रिप्स भी हैं, ये लगानी है इनको। मोहतरमा जो है वो बिल्कुल डाउन से हुई हुई है जिसकी वजह से हम सब डाउन हुए हैं। और आज हम लोगों ने जाना था, 2-3 काम थे वो भी अभी रह गए, तो अभी जरनाब आज भी घर पर ही है, मैं भी साथ बैठा हूँ। मैडम खाना क्या खाएंगी, टिश्यूज पे टिश्यूज यूज हो रहे हैं ना, खुल गया मेरा हल्ले का क्या हो गया, कल से नाक बंद था जिंदगी में यही गन था। बहुत अजीब होती है नाक बंद होता ना, एक साइड खुली थी एक साइड बंद थी, अभी खुल गई दोनों। छोटे ड्रिप पर लगाने का कुछ तो फायदा हुआ, छह हाँ एक बैंड। इतने बदतमीज हैं लोग, कमेंट्स कर रहे हैं कि ये भी शादी का इवेंट ही हो गया है कि सहर भी बीमार हुई थी, सहर भाभी वो भी हॉस्पिटल गई थी और जरनाब भी, कह रही शादी का इवेंट है टिकटॉकर्स का। अल्लाह ना करे आपके घर में ये इवेंट है, जहालत की इंतहा है जहालत। अल्लाह ना करे आपके घर में ये इवेंट आए और अल्लाह ताला आपके घर वालों को अपनी हिफाजत में रखे और किसी दुश्मन को भी ऐसे जो है ना वो मरहले से गुजरना नहीं पड़े जिस पे गुजर रही होती उसको पता होता है। बस बताने का मकसद ये है कि बेहिसी का ही आलम है कि हर चीज़ को लोग जो है ना वो मजाक समझते हैं। और दूसरा ये कि ब्रो सबको पता है कि शादियों के बाद एक होता है भारीपन, बंदा थका हुआ भी होता है, 10 नज़रें भी होती हैं। और जरनाब हाँ, नज़रें तो सिर्फ टिकटॉकर्स को ही लगती हैं और तो किसी को नहीं, नहीं आपके घर में भी शादियाँ होती होंगी तो आपके घर वाले भी सत्कार देते ही होंगे भाई। खैर अल्लाह ताला आपके घर वालों को अपनी हिफाजत में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो भाई यही दुआ करते हैं आप सबके लिए। क्या हुआ मेरी आवाज़ की, चलने कम से कम थोड़ा हंसी तो सही, आवाज कहाँ चली गई, जोर लगाएं हाँ करें अब बोले हेलो हेलो हाँ करें अब नहीं बोलो अल्लाह मियाँ मेरे साथ क्या हो रहा है, हाँ करें थोड़ी सी हुई ना अभी तक ना, आधा घंटा पहले इतना धाड़े मार के रो रही थी, अचानक पेट में दर्द शुरू हुआ। मुझे ना सही हो गई, मुझे मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं। वो तो रिवायती है ना आपके, जिंदगी भर का मसला है तो आपका। मैं ना वैसे ही अपने सब बहन भाइयों में से ना थोड़ी सी वो हूँ, मतलब मेरे सर में भी दर्द होता है ना तो मैं ऐसे हो जाती हूँ कि जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब है यार। हेलो गाइस, मैंने लारे को बोला कि मुझे मौसम्मी ला दें और ये मौसम्मी लेके आए, छुरी नहीं लेकर आए। मतलब आपको आगे कैसे कटते हैं, मैं खाता ही नहीं फ्रूट, मुझे पता ही नहीं, मैं समझा लोग ऐसे उंगली डाल के तो खोल देते हैं वो होगा, ये उंगली डाल के खुलेगा, खोले पता नहीं नहीं खुलेगा मिलेगा कुछ नहीं पता, जो चीज़ बोलती हूँ ना बस वही काम करके आ जाते हैं। मौसम्मी ला दें, सिर्फ मौसम्मी लेके आएंगे, प्लेट बाद में लेकर आएंगे, छुरी बाद में लेकर आएंगे। टेंशन लगी है, टेंशन क्यों ले रहे हैं, काटे ना अब यूं यूं, क्या हालत खराब आ रही है, वीडियो बना रही है, काटे ना यूं ना यूं कटेगा ये यूं
हाँ जी, हाथ पे नहीं लगवाइएगा बस प्लीज, मैं खुद कर लेती हूँ कि मेरे हाथ पे ही लगा हुआ है तो उससे हो नहीं रहा है। अब बैक साइड से भी ऐसे ही होगा। यूं? बैक है ये? ये जी, मैं बोलूँ मुझे इतना हल्की हल्की रींगने की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? जुबान अंदर सीधा बैठा। एक मिनट, तो मुझसे गिर जाए। इतनी मेहनत से लाके दिया, आराम से अब फेंक दिया। ये सिर्फ मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप पूरा पियेंगे। सूप वाला चम्मच देते ना? है वही ड्रॉज नहीं है। मैं अभी जो है ना अपनी बीमार बेगम को छोड़ने जा रहा हूँ उनके घर, ताकि वो थोड़ा वहाँ रेस्ट करें और मैं जाऊँगा घर। मैं गया था घर चेंज करने के लिए, चेंज करके मैं घर पे मैडम को वापस ले आया हूँ। और मैम जो है वो मुझे कह रही है, क्या चाहिए आपको? शक्करकंदी और शरबत है। बस बस हंस के दिखाएं भाई, शरबत है तुलसिया ले लिया है इससे, ताकि खांसी रुक जाए मैडम की। बीवी है मेरी बीमार, जब तक लगा है तेरे हाथ में कनोला, अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा, हर 3 घंटे बाद 2 चम्मच तुलसिया पिलाऊंगा। कैसे हो जानी, खा लो बिरयानी, आपको तो मना है। अब इसको जो है ना वो करें, एयर निकालें सारी, पानी थोड़ा फेंकेगा। हाँ थोड़ा फेंकेगा, पहले छोटी सी ये ना बंद कर दे। चल नहीं रही? नहीं चल रही, फुल कर दी। देखा आगे सब बंद है ना, इसलिए नहीं चल रहा। घुमा दे उस तरफ, घूमेगा ना लाली। बस अब छोड़ दे लाली, 1 मिनट आपने पता क्या करना है, इसको ना एकदम ही दबाना है, सही एकदम है? सारा हाँ ना, तभी तो वॉश होता है। बिस्मिल्लाह रहमान, मेरे तो भी दर्द होने लग गया। लाली बाबा आपको कहा था ना, मैं डर गया, आपने चीख मारी तो मैं डर गया। सो गाइस, ये था आज का व्लॉग। व्लॉग तो नहीं, अब मैं यही कहूँगा कि ये बस देख लो, दिन की रूटीन यही चल रही है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। अर्णाब की तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत सारे सरप्राइजेज़ मैंने प्लान करे हुए थे वो भी नहीं हो पा रहे, क्योंकि इनमें ताकत ही नहीं है। प्लस मेरे सब दोस्तों ने, फैमिली ने दावत रखी हुई है, मगर वो अभी कुछ भी कमेंट्स नहीं हो पा रही, क्योंकि अर्णाब की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और बस अपनी दुआओं में प्लीज़ 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 याद रखें, और इस तरह की बातें ना करें कि हमने जो है ना, लोग भी बोल रहे हैं कि भाई बीमार होने का तो सिलसिला लगाया हुआ है लोगों ने, ये एक इवेंट होता है। अल्लाह ना करे किसी घर में ऐसा इवेंट है, अल्लाह ताला सबके घर वालों को अपनी हिफाजत में रखे। और कोशिश किया करें कि यार जब किसी को देखें तो बंदा दुआ ही करता है, बनिस्बत उल्टी बात करने के। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यूट्यूब फैम, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। मेक इट 500K स्ट्रॉन्ग एज सून एज पॉसिबल, बहुत सारे ब्लॉग्स आते रहेंगे। बस हमें अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखें, हमें हमारे घर वालों को, और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। लाली आउट, गुल आउट, ओके, बाय।